गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज दिन की शुरुआत हो गई है, फ्रेश हो के अभी कॉफ़ी पी रहा हो। थोड़ी देर के बाद हम जाएंगे रॉय को घुमाने। बहुत सारे आर्टिस्ट क्या करते हैं, या फिर आर्टिस्ट या फिर लोग क्या करते हैं कि सुबह उठने के बाद पहले अपना मोबाइल चेक करके रिजल्ट्स देखते हैं कि मैंने रील डाला था उसके कितने व्यूज़ है, मैंने पोस्ट डाला था उसके कितने व्यूज़ हैं, मैंने ये किया था उसका क्या है, ये वो है। पर मुझे तो लगता है कि हमें सुबह उठ के ये सब नहीं करना चाहिए, कि सुबह उठ के हमको पहले फ्रेश होना चाहिए और फ्रेश होने के बाद हमें ये सब काम करने चाहिए। मैं अभी तक मतलब स्ट्रगल करता हूँ इस चीज़ से और मैं भूल जाता हूँ कि ये मुझे हर टाइम करना है, और मैं हर सुबह कुछ नया दिख जाता है। या फिर हमारे ही चैनल पे कम सब्सक्राइबर्स, कम व्यूज़, ये होने के कारण हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं सुबह सुबह। इसलिए हमें ये पहला काम तो रोकना चाहिए कि लेट्स नॉट ट्राई टू बी रिजल्ट ओरिएंटेड, और हम जितना है हमारा आर्ट उसमें काम करना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि यही दिक्कत बहुत सारे लोगों को होती होगी, आर्टिस्ट लोगों को होती होगी। सो मैंने शेयर किया, ये देखो इसको खेलना है अभी, इसलिए हम थोड़ा खेलते इसके साथ और फिर उसको घुमाने लेके जाते और फिर बाद में बात। इसको चलना बहुत पसंद है, बाहर आना ही पसंद है। क्या है, अब हम चलने आए हैं मैं और राय। उसको सुबह सुबह चलाने में मुझे भी कुछ सुख मिलता है और उसको भी अच्छा लगता है बाहर जाना, इसलिए वो लिश लेके खुद से ही आ जाता है। वी केम बैक राइट नाउ, थोड़ा सा वॉकिंग करके थोड़ा सा किया है इसलिए पसीना वगैरह कुछ नहीं आया है, और अभी थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद कुछ आर्ट करेंगे, नाश्ता करेंगे और फिर आपके साथ बातें भी करेंगे। चलिए मिलते हैं। जस्ट डन विथ वर्कआउट राइट नाउ, फीलिंग सो एनर्जेटिक, फ्रेश तो हो गया हूँ अभी, नहाना वगैरह सब हो गया है। नाश्ता बाकी है, वो 12-1 बजे करूँगा क्योंकि फास्टिंग चल रहा है। और अभी पहले उठने के बाद बहुत माइंड डिसओरिएंटेड रहता है पर और उसको एक ट्रैक पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें काम लिखने पड़ेंगे हमारे कि दिन भर हमें क्या करना है। तो काम लिखते हैं और उसके बाद हम बनाएंगे एक डिजिटल पोर्ट्रेट मेरे भाई का, और हो सके तो एक मैंने कल एडिटिंग करने का रखा था एक पिक्चर, एक पॉप आर्ट बना के रखा था मैंने, वो हम रखेंगे मतलब वो हम बनाएंगे। सो चलिए। चलो आइए देखते हैं किसके किसके कमेंट आए हैं अपने नए वीडियोस पे, शॉर्ट्स पे, और उनके नाम लिखेंगे। तो पहला नाम मैं लिखना चाहूँगा सोनम एंड दिस डकोटा फॉर बॉयफ्रेंड, नाइस नेम। विशाखा भी बहुत दिनों से चल रहा है, शायद इनको भी बना इनका भी नाम बना देते हैं आज। तो आज 3 नाम आएंगे, ओ सॉरी एंड 1 मोर, इनको तो पहले ले बनाते उनका नाम दानिया। तो चलिए
नाम लिख के हो गया है, पोर्ट्रेट वो जो मैंने बोला था आपको पॉप आर्ट बनाना है उसका थोड़ा सा एडिटिंग हो गया है, और उसके बाद अभी थोड़ा हम खाना खाने जाएंगे और थोड़े रेस्ट के बाद विल डू समथिंग आर्टिस्टिक वर्क, क्योंकि दिमाग जब खाली रहता है तो बहुत ख़राब होता है, तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करता हूँ, और आप भी करिए और ऐसे ही बने रहे मेरे जर्नी में। वेलकम बैक गाइस। सो अभी हम बनाएंगे एक पोर्ट्रेट, डूडल पोर्ट्रेट मेरे छोटे भाई का है, उसका बर्थडे था, मैंने सिर्फ विश किया है क्योंकि मुझे उसको पोर्ट्रेट देना था, इसलिए मैं अभी पोर्ट्रेट बनाऊंगा और उसकी मतलब मैंने उसके फोटोज़ भी मांग ली है, अभी लेट्स मेक, और डिजिटल पोर्ट्रेट बनाऊंगा विथ लॉट्स ऑफ डूडलिंग एंड विथ द न्यू स्टाइल। सो मिलते हैं। आज भी हो सकता है या कल भी हो सकता है। अब क्या करेंगे, मतलब दिमाग नहीं चल रहा है, थोड़ा नींद भी आया है, तो थोड़ी देर रॉय के साथ खेलेंगे और उसके बाद हम कुछ बनाने में फिर से मतलब कुछ काम करेंगे। तो सुबह से हमने एक डूडल पोर्ट्रेट कंप्लीट नहीं किया है, आधा कंप्लीट हो गया है, वो कुछ उसके नीचे वाले सर्कल्स बाकी हैं जिसके आपने देखा ही होगा, और उसके बाद एक पॉप आर्ट जो मैंने बनाया था वो भी तो थोड़ा एडिटिंग कर दिया है, थोड़ा कंप्लीट कर दिया है। अभी तक तो मुझे लगता है कि मुझे उस पर उसके ऊपर और वर्क करना चाहिए, और ऐसे दिन गुजर रहा है और अभी 4 बज गए हैं, तो मैंने स्लोली स्लोली मुझे जितना काम हो सकता है वो पाया है अभी तक, उतना ही किया है। सो और हर आर्टिस्ट के जो दिन का शुरुआत और अंत होता है वो हर टाइम बड़े बड़े पेंटिंग, बड़े बड़े आर्टिस्टिक वर्क ख़त्म हो के ऐसे ही नहीं होता है, कुछ अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं उनके लाइफ में, जैसे कि आज मेरा मन पूरा का पूरा ड्राइंग में नहीं लगा, आई वॉज वेरी डिस्ट्रैक्टेड इन बिटवीन, सो इसलिए मैंने अपना सब काम छोड़ा और आगे बढ़ता चला गया, और अभी मैं थोड़ा एनिमेशन भी किया, थोड़ा देखा अपना एनिमेशन किया एवरीथिंग, सो इट हैपेंस। और इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा कसरत करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप माइंडफुल रहे कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आपको रेस्ट करना है तो रेस्ट भी कीजिए, और आज के दिन का ब्लॉग मैं अभी ख़त्म कर रहा हूँ, शाम को मुझे बाहर जाना है और इसलिए थोड़ा ब्लॉग में अब भी ख़त्म करूँगा। सो सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग गाइज, थैंक यू।